Good morning everyone, I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you English Reader. Class 3rd English Reader में हम करेंगे 11 chapter की revision करते हैं, start करते हैं. Clean water for health. पानी को साफ करना है अपने health के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए. तो पानी जो है हमारे सभी को पानी की ज़रूरत होती है, चाहे animals हो या plants हो या चाहे human being हो, इन सभी को पानी की ज़रूरत होती है. बिना पानी के तो रह नहीं सकते, ठीक है. पानी ही जो है जल, कहते हैं ना जल ही जीवन है. तो वी कैन लिव विदाउट फूड सम डेज. कुछ दिनों हम बिना खाने के तो रह सकते हैं, पर बिना पानी के हम नहीं रह सकते. तो इसलिए पानी जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है. जो पानी जो है फार्मर्स के लिए भी बहुत जरूरी होता है, उनके फील्ड में पानी देने के लिए, ठीक है. हमारे साथ साथ उनको भी जरूरत होती है, बहुत कामों में यूज होता है हमें. और हम कह सकते हैं कि जो पानी है वो पानी जो है हमारी ज़िंदगी है. तो बट ओनली क्लीन एंड प्योर वाटर इज़ लाइफ. परंतु यहाँ पे जो साफ़ और क्लीन वाटर जो है वो ही आपके लिए जो आपकी ज़िंदगी है. अगर गंदे पानी आप पियोगे, आपसे गंदे पानी पीने से क्या होगा, आपको बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, आपके पेट में दर्द हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी आ सकती है. तो इसलिए साफ़ पानी हमें पीना चाहिए, साफ़ और स्वच्छ पानी, ठीक है. वी कैन क्लीन वाटर बाय बॉइलिंग एंड यूजिंग. जो आपको पानी जो पानी पीना है, जो क्लीन वाटर आपको पीना है, तो किस तरीके से हमें पीना है, कैसे तैयार करना है, तो उसको हम पहले बॉइल कर लेंगे. बॉइल करने के बाद उसे ठंडा करेंगे. बॉइल करने के बाद छान के ठंडा करके तब पीना चाहिए, नहीं तो उसमें क्लोरीन डाल देंगे या तो फिल्टर करेंगे, ठीक है. तब जाके वो क्लीन वाटर होता है, तब उसमें पी सकते हैं, ठीक है. इट्स नॉट इट अ बैड दैट मैनी ऑफ अस डोंट ट्राई टू कीप अ वाटर क्लीन. ऐसा नहीं है कि कोई हम में से कोई लोग जो हैं जो ट्राई नहीं कर रहे हैं कि वाटर क्लीन करके पीने के लिए. तो वी मेक अ वाटर डर्टी बाय वॉशिंग क्लोथ्स रिवर. हम ही जो हैं पानी को गंदा बनाते हैं. किस तरीके से गंदा बनाते हैं कि हम क्या करते हैं, रिवर वगैरह में कपड़े धो लेते हैं अपने एनिमल्स को, और उसमें फैक्ट्रीज की जो वेस्ट मटेरियल्स है वो भी जो है आपके रिवर वाटर में जाते हैं. जितने वाटर बॉडीज हैं आपके उसमें जाते हैं. वाटर बॉडीज क्या क्या है आपके, रिवर, पॉन्ड, लेक, ये सारे आपके वाटर बॉडीज हैं. सभी चीजें इसमें जाने के बाद क्या होता है, हमारा जो वाटर जो है पॉल्यूट होता है, गंदा होता है. इसके कारण वही डर्टी वाटर जो है हम ड्रिंक करते हैं, हमारे घर तक आता है. तो वो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए. कभी भी ओपन खुला हुआ वाटर रखना भी नहीं चाहिए. कभी भी आपके जो पानी जो है कंटेनर में, किसी भी कंटेनर में रख रहे हो, उसे ढक के रखना चाहिए. और कंटेनर, जिस कंटेनर में पानी को रख रहे हो पीने के लिए, वो क्लीन होना चाहिए, ठीक है. शुड बी क्लीन इट. नेक्स्ट है आपका वर्ड मीनिंग है. तो बच्चे वर्ड मीनिंग मैंने आपको हिंदी में करवा रखा है. मतलब वर्ड मीनिंग के जो जितने भी वर्ड हैं आपके, उसकी मीनिंग जो मैंने हिंदी में करवाया है, ना कि इंग्लिश पे. तो जिन बच्चों ने इंग्लिश में किया है तो हिंदी में कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आप लिखेंगे तो मैं वो आपके कट हो सकते हैं. तो इसलिए हमने हिंदी में करवाया, तो आप हिंदी में उसे लर्न करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको समझ में भी आएगा. तो नीड स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो है आपका नीड, आवश्यकता होना, ठीक है. फर्स्ट क्या है, नीड, आवश्यकता होना. नेक्स्ट है नेसेसरी, आवश्यक. ट्री, वृक्ष, फील्ड, खेत, बुश, झाड़ी. ड्राई का मतलब शुष्क, पोल्यूटेड का मतलब प्रदूषित, टैप का मतलब पानी का नल, हैंडपम्प का मतलब हाथ का नल, बोर्ड का मतलब खुदा हुआ, गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट, इनविटेशन का मतलब होता है आमंत्रण, वॉमिटिंग का मतलब उल्टी आना, स्टोमक एच का मतलब होता है कि पेट में दर्द होना, ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर, वो कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपको, व्हाट कांट वी लिव विदाउट. किसके बगैर हम नहीं रह सकते. तो आंसर है आपका, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. हम बिना पानी के नहीं रह सकते. सेकेंड क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी क्लीन वाटर. हमें पानी को कैसे क्लीन कर. वी कैन क्लीन वाटर बाय बॉइलिंग एंड यूजिंग क्लोरीन इन इट. फिल्टर एयर आर ऑल्सो यूज टू क्लीन वाटर, ठीक है. इस तरीके से हमें पानी को बॉइल करके और क्लोरीन डाल के या फिल्टर करके हमें पानी को क्लीन करना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन है आपका कि वाई हैज द रोज बुश गॉन ड्राई. जो रोज गुलाब का जो पौधा है वो किस तरीके से वो जो है आपके ड्राई हो जाते हैं, सूखे पड़ जाते हैं. तो द रोज बुश हैज गॉन ड्राई बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग वाटर एंड डर्टी वाटर. गंदे पानी और जो आपके जहरीले पानी होते हैं उसके कारण जो है वो खराब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं. फोर्थ आपका है, विच वाटर इज सेफ टू ड्रिंक. कौन सा पानी सेफ होता है पीने के लिए. तो फिल्टर्ड, बॉइल्ड एंड क्लोराइन
या क्लोरीन वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। जो फिल्टर आपके जो पानी है जो फिल्टर करके बॉइल करते हैं और उसमें क्लोरीन वाटर जो होता है वो आपके लिए सेफ होता है पीने के लिए। फिफ्थ है आपका, हाउ डज द डर्टी वाटर अफेक्ट अस, जो डर्टी पानी है वो हमें कैसे अफेक्ट करता है। डर्टी वाटर अफेक्ट्स ऑन अवर इम्यून सिस्टम एंड वी आर कॉल्ड बाय डिजीज। इम्यून सिस्टम को वो अफेक्ट करता है और हमें अलग तरीके से बीमारी, नई नई बीमारियां उससे पनपती है और होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज है कि राइट फोर थिंग्स दैट मेक वाटर डर्टी। आपको चार थिंग्स लिखनी है जो पानी को डर्टी बनाता है। तो बाथिंग ऑफ एनिमल्स फर्स्ट, सेकेंड है आपका वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर्स, थर्ड थ्रोइंग गार्बेज इन रनिंग वाटर, फोर्थ वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड मिल्स, ठीक है। ये आपके चार पॉइंट होंगे जो पानी को गंदा बनाता है। नेक्स्ट है राइट द फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो जितनी फॉलोइंग सबको दिए हैं उसके फंक्शंस लिखने हैं। जैसे टैप का क्या काम होता है कि टू गेट द क्लीन वाटर, जिससे हमें क्लीन वाटर मिलता है। वाटर फिल्टर का क्या होता है कि टू क्लीन द डर्टी वाटर, डर्टी वाटर को क्लीन करता है। तो वाटर टैंक का क्या होता है, टू स्टोर द वाटर, जिसमें हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। नेक्स्ट आपको टिक द करेक्ट स्पेलिंग, जो स्पेलिंग आपके सही है उस पर हमें क्या करना है, टिक करना है। तो ट्यूबवेल की स्पेलिंग क्या है, टी यू डी ई डब्ल्यू ई डबल एल, तो ट्यूबवेल। फर्स्ट आपका है फैक्ट्री, तो फैक्ट्री भी क्या है, एफ ए सी टी ओ आर वाई फैक्ट्री। सेकेंड है गार्बेज, तो गार्बेज का ये वाला सही है, जी ए आर बी ए जी ई। थर्ड है रनिंग, रनिंग में आपका डबल एन आ जाएगा, सिंगल एन नहीं आएगा, तो ये वाला नहीं, तो ये वाला सही है, तो आर यू डबल एन आई एन जी, ठीक है। फोर्थ हमने कर लिया था ट्यूबवेल, टी यू बी ई डब्ल्यू ई डबल एल आएगा वेल में। नेक्स्ट है आपका नेसेसरी, तो नेसेसरी में आपका ये वाला सही है, तो एन ई सी ई डबल एस ए आर वाई, ठीक है। आपको जो एक्सरसाइज है अपनी बुक में फिल करनी है, जो क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग है नोटबुक में करनी है, जिन बच्चों ने नहीं किया है उनके लिए है, और इसको आप लर्न करेंगे।